वेलकम बैक टू दी अनदर ब्लॉग। और आज जो है वो मैं जा रहा हूँ उमरे पे और हमारी कनेक्टेड फ़्लाइट है, तो अभी बहुत देर हो गई है, गाड़ी वाड़ी नीचे आ गई है, तो हम जा रहे हैं और पैकअप वगैरह कर लिए हैं, तो चलते हैं नीचे। पहले वाली है ना कार्रवाई के बाद बच्चे हंगामे के बाद जो सबसे स्टार्ट हो गई थी, किसी को जाने नहीं दे रहा था। भाई ये हम जो है वो बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं और लाइन जो है वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लंबी है और रश ज़्यादा हुआ हुआ है यहाँ पे। हमारी जो है ना वो बोर्डिंग वगैरह हो गई है और हम जा रहे हैं अब जहाज़ में बैठने के लिए। हम जो है वो अभी वेटिंग एरिया में है और हमारे पास जो है वो आधा घंटा रह गया है और इसके बाद जो है वो हम डायरेक्ट जहाज़ में बैठेंगे। अभी जो है वो हम पहुंच गए हैं मस्कत। यहाँ पे जो है हमारा 2 से 3 घंटे का जो है वो स्टे है, उसके बाद फिर हम जाएंगे जद्दा। ये जो है ना वो मस्कत पे मॉल बना हुआ है जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, लकी वन की तरह है, जैसे पाकिस्तान में हमारा लकी वन बना हुआ है ना, इस तरह जो है ना ये पूरा शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, पूरा एक एक चीज़ जो है वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे जो है ना वो शॉपिंग वगैरह आप कर सकते हैं, सामान वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप यहाँ से ईज़िली बाई कर सकते हैं। क्या हुआ भाई, नहीं हुआ? ये क्या है, ये क्या है, रेस्टोरेंट है ये? हाँ ले ली इसकी मैं। भाई हम मस्कत पे हैं और फजर का टाइम हो गया है और अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो नमाज़ जो है वो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो पहले फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपको जो है वो मस्जिद का विज़िट करवाते हैं। ये जो है वो इनका वॉशरूम एरिया देख सकते हैं आप, ये देखें। तो भाई टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया हमारा, तो अभी जो है वो हमें, मैंने जो है वो 2 पट्टी की चप्पल पहन ली है और अभी जो है वो एहराम बांधने जा रहा हूँ मैं। तो जहाँ पे हमने फजर की नमाज़ पढ़ी थी वहीं पे जो है वो एहराम बांधने जा रहा हूँ मैं। टाइम कम था और मैं डायरेक्ट जो है वो सऊदी अरब के जो है वो एयरपोर्ट आ गया और बीच में नींद भी लग गई थी। एयरपोर्ट है हमारा सऊदी अरब का और ये हमारी बस है, क्योंकि हम इसमें बैठ के होटल जाएंगे। तो भाई ये हमारा होटल है और इसके बाद हम फ्रेश होके जाएंगे डायरेक्ट हरम। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ना उमरा हो गया मुकम्मल और हमने जो है ना वो 2 रकात नफिल पढ़ ली है सलातू उमरे की, कि कोई गलती हो गई तो अल्लाह पाक माफ़ कर दे। उसके बाद अब हम जाएंगे सही करने, इसके भी 7 चक्कर होंगे। और इसके बाद हमें इसकी भी जो है ना 2 रकात नफिल अदा करनी पड़ेगी और उसके बाद लास्ट जो हमारा है जिससे हमारा उमरा कम्प्लीट होगा वो है गंजा होना, जो कि हम गंजा हो रहे हैं।